गुड मॉर्निंग। आज का योगा सेशन हो चुका है और आज एक बड़ा दिन है क्योंकि कल रात में हम लोगों ने ट्राई किया और हमें वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल गया है। तो आज मैं जा रहा हूँ सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाने के लिए। कुछ दिन हालात ठीक रहते हैं, तबीयत नहीं बिगड़ती है, तो उसके बाद फिर अंकिता जाएगी और वो अपना फिर वैक्सीनेशन करवाएगी। तो चलिए चलते हैं। और आज जो सबसे बड़ा इंतज़ार था, जो सबसे बड़ा इंतज़ार है आज के समय में इंसान के जीवन में, वैक्सीनेशन का, वो पूरा हो चुका है मेरा तो फिलहाल। तो अभी हम जाते हैं नहा धो के नाश्ता करने के बाद और लगवाते हैं वैक्सीन और होते हैं सुरक्षित कोरोना से। ओट्स, स्प्राउट्स के लिए मूली, टमाटर, ब्रेड, दूध और ये स्प्राउट्स। हमारा अपॉइंटमेंट है 12 बजे से 1 बजे का। अभी बज रहा है 11:30, निकलते हैं यहाँ से और 28 मिनट का कुछ रास्ता दिखा रहा है अभी गूगल। जगह का नाम है अतौर, जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक हुई है। तो अतौर के किसी APHC सेंटर पे मेरा जो है वो होगा। एक ज़्यादा सा हो गया, तो गर्मी भी है, उमस है, आम भी खूब खाए जा रहे हैं। आपकी क्लास का टाइम हो गया, क्या देख रहे हो बाहर? मैं तो अपने आप जिसको हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई आज। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको लगवानी चाहिए। बहुत इंतजार किया, बहुत ढूंढा, पर अब जा करके हम लोग को वैक्सीन मिल गई है। हाँ, क्या है, क्या हुआ? दिस मीटिंग इज नो लॉन्ग अवेलेबल और यू डोंट हैव अ परमिशन टू व्यू। वेट, अभी ठीक करते हैं आपकी क्लास। ठीक, एक पानी की बॉटल रख ली है क्योंकि वहां पता नहीं कितनी देर वेट करना हो। निकल पड़े हैं। अभी इसी पे ऊपर जाना है हम लोग को। ये जो हमारे को कनेक्ट करेगा राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड। जाएं सेंटर पे, लगवाते हैं वैक्सीन। तो हो गया वैक्सीनेशन, लग गया और कुछ पता नहीं चला। तो अच्छी फीलिंग है, 84 दिन के बाद अब और आना है। चलते हैं वापस घर। तो लौट आए घर वैक्सीनेशन के बाद। अच्छी सी फीलिंग आ रही है, एक अच्छा सा एहसास हो रहा है कि वैक्सीन लग गई है। बहुत टाइम से
सोच रहे थे कि वैक्सीनेशन मिल जाए। कल रात में बाय चांस मिल गया हम लोग को वैक्सीनेशन का एक स्लॉट, तो अभी फिलहाल मैंने कर लिया है। अभी मेरी वाइफ जो अंकिता है वो अब 2-3 दिन में करेगी, पहले देखते हैं मेरी कंडीशन कैसी रहती है, फिर अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो अंकिता भी अपना वैक्सीनेशन करा लेगी, क्योंकि हम लोग 2 ही लोग हैं और फिर अगर दोनों लोग बीमार हो गए, अगर बुखार आ गया तो फिर बच्चे को देखना संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए अभी जो है थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के बाद भी किसी नर्स ने या किसी ने बोला नहीं कि बैठ जा, और मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैं भी अपना वैक्सीनेशन लगा के चला है क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी थी। तो अब थोड़ा पानी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, बताते हैं आपको कैसा रहा वैक्सीन का असर। थोड़ा सा इस हाथ में ऐसा टाइटनेस सा महसूस हो रहा है, पर अभी इतना जल्दी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तो वैक्सीन लगवाया है और सीधे सीधे चले आए, तो इतनी जल्दी तो असर नहीं होना चाहिए, पर चलिए मैं बताऊंगा जैसा भी है।